हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नौकरशाही के आगे मंत्री बेबस। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बयां किया अपना दर्द। निर्धारित प्रक्रिया का हो रहा उल्लंघन। मुझे दिखाए बगैर सीएम ऑफिस भेजी जा रही फाइलें। बेलगाम अफसरशाही पर नकेल कसेंगे सीएम योगी। लोकतंत्र का दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पूरा सिस्टम ब्यूरोक्रेसी की बेड़ियों में जकड़ गया है। आलम यह है कि कई बार अफसर सरकार के मंत्री तक की नहीं सुनते। यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस बाबत अपना दर्द बयां किया है। वित्त मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि विभाग की कुछ पत्रावलियों में यह लिखा जाता है कि उच्च स्तर पर विचार विमर्श किया गया है, लेकिन ऐसी फाइलें बिना उनसे विमर्श किए सीएम दफ्तर भेज दी जा रही हैं। उन्होंने पूरे प्रकरण को सीएम के संज्ञान में लाने का आग्रह किया है और मार्गदर्शन मांगा है। हालांकि पत्र में उन्होंने सीधे तौर पर यह तो नहीं लिखा है कि अपर मुख्य सचिव ने ऐसा किया है, लेकिन सब जानते हैं कि सीएम दफ्तर सीधे फाइल वहीं भेज सकते हैं। विपक्षी दलों ने इसको लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि अफसरशाही पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी को लेकर के जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश कमान संभाली एक बहुत ही सदा सहायतापूर्ण उन्होंने एक उनका रवैया रहा और उन्होंने लगातार अधिकारियों को बेहतर परफॉर्म करने की बात दी। कई बार उन्होंने नसीहत दी और कई उन्होंने भी कहा कि कई अधिकारी काम करने में आनाकानी करते हैं। और पिछले दिनों भी इस तरह की खबर वन विभाग की आई थी कि बिना वन मंत्री को विश्वास में लिए कुछ अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग या प्रमोशन की संभवतः फाइल माननीय मुख्यमंत्री के पास भेजा गया था जिसको उन्होंने वापस किया था। तो ये जो रवैया है जैसा कि आप बता रहे हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने भी इस तरह की शिकायत की है तो निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी को जो एक मर्यादा है। बता दें कि पिछले दिनों वित्त विभाग में चार अपर निदेशकों को वर्तमान तैनाती वाली जगह पर पदोन्नति करके निदेशक बनाया गया था। बताया जा रहा है कि इस फाइल को अपर मुख्य सचिव वित्त ने बिना वित्त मंत्री को दिखाए सीधे सीएम कार्यालय को भेज दिया था, जिस पर सीएम दफ्तर ने नौ पदोन्नत निदेशकों को यथास्थान तैनाती देने पर आपत्ति जताई और बाद में ये खबर समाचार पत्रों में प्रमुखता से छप गई। रतीश त्रिवेदी, समाचार प्लस, लखनऊ।